चलेंगे आध्यात्म की ओर, राम और कृष्ण की बात कर ली, अब जाएंगे देवों के देव महादेव। हाँ, जिन्होंने आज तो हमें महादेव का महिमा गाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज सबका ज्यादातर निर्जल उपवास है, और जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने मनुष्य को जन्म दिया है, जिसने सृष्टि की रचना की है, उसका महात्म्य क्या है? तो देवों के देव महादेव, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उन्होंने सृष्टि पे जब पहली बार नंदी को भेजा तो उन्होंने क्या कह के भेजा था कि जाओ पृथ्वी पे जाके कह के आओ कि एक बार खाओ तीन बार नहाओ। नंदी ने आते आते घोटाला कर दिया, तीन बार खाओ एक बार नहाओ। हमने तो पूरा घोटाला कर दिया, उठ के खाना शुरू करो, रात तक खाते रहो, और एक बार मुश्किल से जाओ या फिर पक्की ले लो, हाँ त्रिफला ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पता नहीं कितने उपाय कर ले, क्योंकि इतना जो खाया है, कम खाओ ज्यादा निकालो, अगर अनुभव करना है तो खुद करके देखो, ये चार में से तीन टाइम पे आ जाओ, फिर देखो नेचुरल कॉल आता है कि नहीं, और ज्यूस पे चले जाए, दो टाइम ज्यूस और एक ही टाइम अंगूर, फिर देखो। आप अनुभव स्वयं करके देखिए कैसे आपका एनिमा भी तब असर करेगा, लेकिन एक बार अनुभव करके देखिए। मैं बचाने की बात नहीं कर रही, मैं स्वयं को अनुभव करवाने की बात कर रही हूँ। तो आप जब आप लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चबा 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 के लोगे, देखना आपका पेट अवश्य साफ होगा, हो सके उतना जल्दी स्टॉप कर दो, शाम होते ही पशु पक्षी और प्राणी देखना छोड़ देते हैं, उसके आगे आप कुछ भी रखोगे ना वो नहीं खाएंगे, दिन निकलेगा और वो निकल पड़ेंगे, पहले तो उनका कलरव करेंगे, गुनगुनाएंगे, यानी कि वो भी परमात्मा की प्रार्थना करते हैं और गॉड को थैंक यू कहते हैं। बार बार देखना, वो पानी भी पीते हैं ना, तो चौंच पानी में डूबो के पानी पीते हैं और ऊपर देखते हैं, परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि परमात्मा आपने हमें पानी दिया, तो वो हर बात में खाएंगे पिएंगे और तुरंत ऊपर देखेंगे, प्रभु को थैंक यू कहते हैं, इंसान नहीं कहता। तो हमें भी जब भी खाने बैठे परमात्मा को हाथ जोड़ के प्रेयर करके, दसवा यानी कि जब भी हम वो भोजन करेंगे ना, तो दसवा यानी थोड़ा सा हम रख देंगे भले कुत्तों को भी, लेकिन ये आदत डाले थोड़ा सा निकाले, और हो सके तो थाली में एक ही बार परोस के दोबारा ना ले, तो संयम अपने आप आएगा। हमारे ऋषि मुनि थे ना, वो कमंडल लेके आते थे और वो पात्र में एक ही बार में जितना आता था ना उतना ही लेते। तो ये हमें क्या सीख मिलती है कि एक ही बार में जितना मिला उतना खा लिया, बस उससे हमारा पेट भर गया और बाकी हमने ऊपर पानी पी लिया, संतुष्टि हो गई। तो हो सके उतना शाम का भोजन जल्दी से जल्दी, बस एक बार लिया फिर छोड़ दिया, फिर रात को दोबारा नहीं, क्योंकि रात का भोजन मांस के कुचे के बराबर है, रात का भोजन हमें हजम नहीं होता है, बहुत कड़ी भूख लगे उस टाइम आप कुछ भी डाल दोगे ना, आपका पत्थर भी हजम हो जाएगा, लेकिन रात को भोजन ना करें, सायंकाल को करें, सोने के 3 घंटे पहले करें, हो सके तो संध्या ढलने से पहले करें। वो भोजन ऐसा होगा, क्योंकि आप एक पूरा दिन कच्चा खाओगे ना, अरे शाम को 5:30-6 बजे तो ऐसी भूख लगेगी ना कि आप जो भी है ना बिना नमक का खा जाओगे और कहोगे अरे वाह तूने बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि ये भूख है और भूख सहन नहीं होती है इंसान से, थोड़ा सा दुख सहन होता है, भूख सहन नहीं होती, तो तब आप जो भी खा लोगे आपको हजम हो जाएगा। लेकिन देवों के देव ने क्या कहा है, एक ही वक्त खाने को बोला है ना, तो जो छोटे बच्चे हैं 40 के अंदर है, या जिनका फैमिली प्लानिंग अभी चल रहा है, या जिनकी शादी बाकी है, वो भले 2 टाइम खाए,
उनको हम कुछ भी नहीं करेंगे। हो सके तो भले एक टाइम खाए क्योंकि उनके लिए भी अच्छा है, एक वक्त भोजन करेंगे तो उनकी धरोहर बहुत स्वस्थ आएगी और वो भी संयम वाली आएगी। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो दोपहर को भले ना सब्जी और ये दाल वगैरह जो भी बनता है घर में, सूप और सब्जी ले लें, उबला हुआ थोड़ा सा ले लें, बॉइल्ड सलाद भी थोड़ा सा ले सकते हैं एक दो बजे के करीब। यंग है उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिनको फैमिली प्लानिंग पूरा हो चुका है, बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं और खुद बीमार है और अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उन लोगों को मैं कहती हूँ, नम्र विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि दो टाइम भोजन न करें, क्योंकि आपका रोग दो टाइम भोजन लेने से नहीं जाएगा। तब तो आपको शिव जी को पकड़ना ही होगा। नंदी ने जो कहा वो भूल जाएगी, क्योंकि उसने तो घोटाला किया। इसीलिए तो आज होटल से बड़ी हॉस्पिटल है, आप देखते हैं ना जाइंट स्पाइस वाले, होटल से बड़ी हॉस्पिटल है ये, नंदी ने खड़ी करवाई घोटाला करके, तीन टाइम खाओ एक टाइम ना हो, हाँ, और अस्पतालों में कहीं जगह नहीं। हर किसी को आप पूछोगे, हर किसी माँ बाप को, हर कोई बोलेंगे हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहेंगे, डॉक्टर। अरे इतने सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर पेशेंट कौन रहेगा, हाँ, मरीज कौन रहेगा, खुद ही खुद के डॉक्टर बन जाओ। हाँ, मेडिकल में आपको भाई चलो एडमिशन मिले ना मिले, लेकिन नेचुरोपैथ को अपना के अपने जीवन में नेचुरोपति का आप कुछ जान के पढ़ के उसको आत्मसात करके न्यू डाइट सिस्टम अपनाओगे तो नेचुरोपति अपने आप सीख जाओगे, सिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके साथ ही जुड़ी हुई है। तो आप जब भी एनडीएस करते हो तो नेचुरोपैथी आपको आ जाएगी, क्या खाना क्या पीना, कैसे खाना कैसे पीना, कब खाए कब सोए, सब कुछ आ जाएगा। तो अब हमें शिव जी के रास्ते पे चलना है, तो अब हम अस्पताल नहीं जाएंगे। जैसे 14 साल की है, 14वां साल हमारा चल रहा है, मैं अस्पताल नहीं गई हूँ, कोरोना भी आया मरोना भी आया जो भी आया, सबके साथ रही भी हूँ, लेकिन मैंने प्रभु से वादा किया है कि मैं जब तक जीऊंगी मुझे अस्पताल नहीं जाना है। मैंने ये कमांड दिया अपने प्रभु को, मैंने यहाँ पे बिठाया है और यहाँ पे बरसाना है। जहाँ भी जाऊंगी ना एक ही प्रेयर करती हूँ, मेरे भाइये में बसना और मेरी वाणी में बरसना, मुझसे किसी को दिल से कोई दुख न पहुंचे ऐसी वाणी मेरे मुंह से कभी ना निकले, और हर किसी को मैं संतुष्टि दे पाऊँ, बस आप मेरे साथ रहना, मेरा हाथ पकड़ के आप आगे चलना और हर किसी को रास्ता दिखा, मेरी डोर उसके हाथ में, और मैं जब तक जीऊँगी ना आप देखना मैं कभी अस्पताल नहीं जाऊँगी। ये मेरा प्रभु से वादा है, सिवाय कि भाई कभी कोई एक्सीडेंट हो गया और ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ा, ये बात अलग, लेकिन प्रभु ऐसा भी मेरे साथ कभी नहीं करेगा, ये मुझे विश्वास है। और उसने मुझे कहा है तथास्तु, मैं कभी नहीं जाऊंगी, ये आप अपने आप से वादा कर लो, आप भी अस्पताल नहीं जाओगे, हाँ ये आप अपने आप से वादा करो, और प्रभु को साथ में रख के बस रोज सुबह उठ के और रात को सोने के टाइम प्रभु को शुक्राना अदा करो, थैंक यू गॉड आपने हमारा पूरा दिन अच्छे से निकाला और हमें हमारा दिन में एक कार्य जरूर अच्छा करो जो किसी के काम में आए। पूरा दिन हम अपने लिए करेंगे, लेकिन एक घंटा प्रभु के लिए निकाले, प्रभु कार्य के लिए निकाले, तो आपका जीवन सार्थक होगा। तो जो हमें प्रभु ने कहा है एक टाइम खाओ उसको अब हम अपनाएंगे, आप जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे। मैंने खुद देखा है, हमारी सास थी, अभी तो वो भगवान के घर चली गई, लेकिन सालों से एक ही वक्त वो भोजन करती थी। मेरी जेठानी सामने है, उनको पता है मेरी सास को न बीपी न डायबिटीज न कोई भी गोली, वो जिंदा रही तब तक उसने कोई भी गोली नहीं खाई।
जब भी जहां भी जाती थी उसका एक थैला, उसमें केवल 3 पैर कपड़े और भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान की वो मूर्ति अपने साथ डिब्बे में लेके जाती, उनकी सेवा वो करती थी पूरे भाव से। कभी भी उनके जीवन में कोई दवाई आई नहीं। 75 साल की साल में वो गिरी थी तो उनको गाय ने, वो गाय को खिलाने जा रही थी और उसने सिंह मारा और वो गिर गई, तो उनको ये टूट गया था क्योंकि इतनी उम्र थी। फिर भी वो रिकवर हो गई, उतनी उम्र में भी वो रिकवर हो गई और फिर उसकी कोई भी जीवन में दवाई नहीं रही। और उन्होंने देह का त्याग किया तो भी पल में, क्योंकि मैं उनके पास थी। जब मैंने एक गद्दा लगाया तब वो मेरे से बात किए और अंदर रूम में से दूसरा गद्दा के लेके आई और मैं बिछा रही थी, मेरे ऊपर हाथ डाल। इतना सरल मौत किसको आता है ना कोई। और उसी दिन वो हमारे देवस्थान जाके आई हुई। इतनी सरल मौत, ना कोई दवाई, ना कोई ऊंचा और ना ही कोई समायोजन। उनकी तिजोरी भी खोली ना तो उनकी तिजोरी से गिन के 100 रुपये भी नहीं निकले। सोचिए केवल 60 या 62 रुपीस निकले थे, ऐसे गिने चुने। वो भगवान के मंदिर जाती थी ना तो रखती थी, वो ऐसे पैसे निकालते थे। और उन्होंने अपनी मौत की तैयारी करके रखी थी, एक नई साड़ी और एक नई पूरी पैर। और जो जब जाते हैं तो जो हम विधि करते हैं ना, जो पैरों के तले रखते हैं, और वो चीजें उन्होंने एक थैली में भर के रखी थी, बाकी पूरी तिजोरी खाली थी। 4 बेटी 4 बेटे। हाँ, हम कितना समायोजन करते हैं ये इसके लिए मैं बता रही हूँ। 4 बेटी 4 बहू, हम 4 बेटे, बहुत परिश्रमी माता पिता के संतान है हम लोग। तो उनके लिए भी उन्होंने कभी कोई बैंक में कोई खाता नहीं खुलवाया था, न कभी बेटों से पैसे मांगे थे, न कोई आस रखी थी। हर महीने वो सिद्धेश्वर महादेव पाटन में अमास भरती थी, अमावस के दिन वो जाती थी और दर्शन। वो ना नियम बहुत रखती थी, एक ही वक्त खाती थी, केवल हफ्ते में एक दिन वो 2 वक्त भोजन करती थी। और वो भी कैसा मालूम है, शाम के वक्त तो वो एक ही चीज, 2 बैठ, वो 1 बजे 12 से 1 बजे के बीच या 2 बजे के टाइम, जब भी दो वो एक ही वक्त बैठ के भोजन करती थी, बाकी कुछ भी नहीं। शाम के वक्त केवल एक आधा या एक केला खाती थी और कुछ भी नहीं। इतना संयम था उनमें और उनका देह भी उतनी आसानी से छूटा, कोई रोग नहीं, कोई गोली नहीं। तो उनका जीवन हमने देखा है, इसीलिए हमें पता चला कि एक वक्त का भोजन सच में जीवन में कितना, हमें पूरा जीवन हमारा कितना निरोग और बिना समायोजन का और निर्विकार, ना कोई विकार। भाई हमारा जीवन हम चाहते हैं कि भी ब्रह्मचर्य में बीते, लेकिन उसके लिए आहार तो बदलना पड़ता है। अगर तामसिक भोजन होगा ना तो विचार आप नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसा आहार होगा देखना आपके विचार शुद्ध ही रहेंगे। आप देखना ब्रह्मचर्य अपने आप अपने जीवन में आ जाएगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आहार बदलना जरूरी है, और एक ही वक्त भोजन आएगा ना संयम अपने आप आ जाएगा। प्रभु की ओर जाना है तो रास्ता तो यही है। तो तप, सेवा और सुमिरन का मार्ग जिसे पकड़ना है, उसने अगर आहार बदल लिया और एक वक्त का भोजन लिया, बात खत्म। ये आप भी फिर ना अपने बच्चों के लिए अभी जो बैंक में जमा कर रहे हो ना, वो आपको नहीं दिखेगा, फिर आपको दिखेगा नहीं नहीं ये बेचारा पीड़ित है, क्यों ना उसको मैं, चलो ना। हमारे जो गुरुजी है ना, वो जो कोई भी अमरेली जाते हैं, जब भी कोई ऐसा होता है कि बीमार है, पूरा संतरे का, अगर सीजन चल रहा है, पूरा संतरे का थैला ला देंगे, उसके घर में रख देंगे, ले इस पे रसाहार कर, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि कोई बेचारा गरीब है, नहीं कर सकता है, संतरे का मशीन भी ला के दे देंगे 1200-1500 कि ले भाई ये तू निकालेगा कैसे, इसमें निकाल के तू जूस। हमने हमारे गुरु जी को देखा है तो वो बिना कहे अपना 10वां निकाल देते हैं। हर किसी का अपना अपना भाई होता है सोचना और समझना, लेकिन हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर खुद का हम मुश्किल से गुजारा करते हैं तो 10वां कहाँ निकालने जाएंगे। तो कम में से कम केवल 10 की नोट ही क्यों ना निकाले, हाँ
लेकिन वो अगर हम अच्छे भाई गाय को एक कूड़ा लेके घास खिलाए, रोटी मत खिला, गाय को रोटी देना अनाज देना पाप है। गाय का भोजन उसका कूड़ा है, उसका घास है। हम रोटी खिला के उसे बीमार करते हैं। परदेश में जाओगे ना, आपको गाय कहीं ऐसे घूमती हुई नजर नहीं आएगी। वो लोग उसको कैटल फील्ड में रखते हैं पूरे, उसको घूमने नहीं देते, उसको उसका ही चारा देते हैं। हम रोटी खिला के भूल करते हैं, कुत्ते रोटी खाते हैं, लेकिन गाय को उसका घास चारा देते, कूड़ा खिला दो, वो आपका तुलादान हो जाएगा। हम जो नहीं खाते ना, औरों को खिला दो, गरीबों को खिला दो, तो देखना आपको खाने का मन नहीं करेगा। ये चातुर्मास करोगे ना, उसके बाद तुलादान कर, और वो भी कैसे, आप गाय को दे दो, जो अबोल प्राणी है उसके लिए कुछ दे दिया, कोई गरीब को कोई वृद्ध को कुछ मदद कर दी, उसको तुलादान दिए। और मैं सबको मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन आपने जो किया उसका परिणाम आप पाओगे, तो आपको मन से होगा कि नहीं मैं कुछ दे दूं, तो ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन कहाँ करना ये हम नहीं बताएंगे, वो आपकी मर्जी है, आप जहाँ भी जाओ, जहाँ भी सही जगह। तो इससे हमारा जो भी किया हुआ तप है वो सफल होता है, और हमें ना इच्छा नहीं होती है। जब हम नहीं खाते औरों को खिला देते ना, तो हमें इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसके पेट में जाएगा, हमें संतुष्टि हो जाएगी। तो ऐसे हम दान करके भी अपने आप को संतुष्ट कर पाते हैं। ये है एक आध्यात्म का मार्ग। तो अब देवों के देव महादेव ने जो कहा है उसका कहा हम मानेंगे, और हम एक वक्त भोजन करेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। फिर लोग क्या कहते मालूम है, दो पैर को तो हम सादा खाएंगे, दाल चावल सब्जी रोटी, और शाम को ना केवल पतली खिचड़ी खा लेंगे। अनाज कभी दो टाइम मत डालो, वरना फिर से बीमार हो जाओ। अनाज एक ही टाइम और कम मात्रा में, क्या कैसे खाएंगे, अब 70% 70% 70% आप क्या खाओगे, सब्जी सब्जी का उपयोग करोगे। कैसे, तो जो भी बनाते हो उसमें वेजिटेबल का उपयोग, खिचड़ी बनाई तो उसमें भी आप 3 कटोरा सब वेजिटेबल स्टॉक, अलग अलग सब्जियां सब काट के डाल दिए, तो खिचड़ी इतनी डालनी है, समझे आप, 3 कटोरी वेजिटेबल तो 1 कटोरी ही खिचड़ी है, खिचड़ी कम वेजिटेबल ज्यादा। दाल बनाओगे तो भी सांभर की तरह, वेजिटेबल इतने सारे, दाल 1 चम्मच। फिर आप चावल बनाओगे तो पुलाव की तरह, वेजिटेबल ज्यादा चावल कम। मिलेट्स बनाओगे तो वो भी उसी तरह, अगर मिलेट बना लिए तो उसके साथ बहुत सारी सब्जी, मिलेट कम। कुछ भी बनाओगे, इडली बनाओगे तो उसमें भी वेजिटेबल ग्रेट करके डालो, हाँ ओट्स में बहुत सारे वेजिटेबल और भिगाए हुए ओट्स थोड़े से। जो भी चीज बनाओ उसमें अब आप हरी सब्जियां ज्यादा डालोगे, 4 महीने बाद में, हाँ अभी तो कोई बात ही नहीं करेगी, ये सब चातुर्मास के बाद की बात है। आप जब निरोग हो जाओ तब की बात है, तब आप 70% सब्जियां लोगे, उसका सूप लोगे, और आप उसमें कठो यानी पल्सिस, हमारे गुरु जी कहते हैं कठोर पचना बहुत कठोर है, बहुत कठिन है 40 के बाद। 40 के बाद अगर आप बहुत कठोर यानी कि पल्सिस यानी कि गाढ़ी दाल, या फिर ये जो नहीं 5, 8, 14 करते हैं और ये पल्सिस वगैरह बहुत खाते हैं, हाँ फिर देखिए उनका पेट कैसे हो जाता है, इतना जम जाता है वो बेचारे, इतनी तप साधना करने के बाद भी हैरान होते हैं। साबुदाना नहीं, साबुदाना नहीं, पल्सिस यानी कठोर, हाँ मूंग तो चलो तो भी चले जाते हैं ढीले पतले, लेकिन बाकी सब जो कठोर है ना वही, और मूंग भी हम खाएंगे लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन, रोज रोज नहीं, कठोर हम रोज नहीं, वैसे भी थोड़ा तो आ ही जाता है, हम खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें भी मूंग की दाल वगैरह कुछ भी आ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा तो आ ही जाता है चम्मच जितना, तो हमें प्रोटीन तो मिल ही जाता है, लेकिन ज्यादा कठोर ना ले 40 के बाद। और जिसको भी आर्थराइटिस
और किडनी की बीमारी है जिसका क्रिएटिनिन ज्यादा आता है, जिसको पल्सिस और कठोर लेने से मना किया है, प्रोटीन खाने को मना किया है, तो वो लोग कठोर को बिल्कुल ना, और आर्थराइटिस पेशेंट तो बिल्कुल ना, क्योंकि उसी से सब जम जाएगा, वायु बढ़ेगा और पेन बढ़ेगा। जिसको भी पैरों में जकड़न है, दर्द है, घुटनों का दर्द है, बॉडी पेन है, वायु का प्रकोप ज्यादा है, पित्त प्रकृति ज्यादा है, वो लोग कठोर का उपयोग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। कठोर यानी पल्सिस, मूंग मूंग जो भी आते हैं ना, चना, हाँ, जो भी दाने वाले सूखे हुए होते हैं जिसको हम भिगा के उबाल के बनाते हैं, हाँ वाल, वो सब चीजें ना हमारे बॉडी में वायु पैदा करती है, और वायु की वजह से हमारे रोग बढ़ते हैं, क्योंकि वायु जहाँ पे बढ़ता है वही तो सूजन बढ़ती है, वही तो दर्द बढ़ता है। तो अब हम जब भी साधना में है, जब भी हम कच्चा खाने की शुरुआत करेंगे, तो पहले ही दिन से हम मूंग क्यों नहीं कहते, हम वेजिटेबल सूप कहते हैं, इसलिए कि वेजिटेबल से हमारा शरीर वायु नहीं बनाता है, और उसमें हम जरा सा अदरक लहसुन डाल देते हैं तो वायु नहीं बनता है। अजवाइन का उपयोग कर ले, खाने के बाद पानी पीना है तो अजवाइन का पानी पिए, अजवाइन जीरा का मिक्स पानी पिए, या अजवाइन जीरा थोड़ा सा चबा ले तो आपको वायु नहीं होगा। अजवाइन का उपयोग रोजाना करें, ये एक निरोग है। हाँ, अजवाइन जीरा, जिनको डायबिटीज है वो लोग थोड़ा मेथी दाना भी दर दर पीस के फिर ऐसे उसको ले सकते हैं, फाकी लेने की भी जरूरत नहीं, चूस के ले लो, भिगा के ले लो, उसका पानी ले लो, फिर वो चबा दो, सूखा मत लो, फक्की मत लो। मैं फक्की लेने को मना इसलिए करती हूँ क्योंकि पाउडर है ना, सूखा है वो चिपकेगा, वो अंदर खुद उसका लेयर बनाएगा, और बाकी भले आपको मल को धक्का मारेगा लेकिन आपका मल वो बढ़ाएगा। तो कुछ भी चीज सूखी मत लो, उसको भिगा दो और उसका पानी पी लो, और हो सके और वो सॉफ्ट हो जाता है उसको चबा लो, आपको फेंकना नहीं है, या दाल सब्जी में डाल दो, रात को ही भिगो, है ना, और छेद वाला ढक्कन ढकना, ताकि जो बारीक जाली नहीं आती है, पहले हम जो दूध पे ढकते थे जैसे मैदे की जाली होती है, हाँ वैसी जाली ढकने की, कुछ भी चीज भिगाओ ना तो उसके ऊपर जाली ढकोगे ना तो उसके ऊपर वो खराब नहीं होगा, हवा मिलेगी ना, तो भिगा के लेना बहुत अच्छा है। तो अब हम 40 के बाद कठोर ज्यादा नहीं खाएंगे, लेकिन 40 के अंदर वाले यंगस्टर्स जो जिम करते हैं और जिनको कहा जाता है कि वो लोग ज्यादा प्रोटीन ले, वे प्रोटीन ले, तो वे प्रोटीन ना ले, उसकी जगह पे अंकुरित ले। हम भी अगर चाहते, अगर प्रोटीन लेना है तो अंकुरित करके लोगे तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाता है और वो हमें कम नुकसान करता है। अंकुरित करके खाएंगे तो उसका फायदा भी मिलेगा और जल्दी हजम भी हो जाएगा। तो आप सैलेड में अंकुरित मूंग आप सैलेड में 1 चम्मच डाल सकते हैं। ये 3 महीने 100 दिन के बाद की बात है, 100 दिन आप नहीं डालेंगे, हाँ 4 महीना पूरा करके, 100 दिन या 120 दिन पूरा करके। बीच में किसी को सूजन आ जाए पैरों में और कुछ तकलीफ हो जाए तो हमें कॉल करना है ना, और WhatsApp पे मैसेज लिखना, लेकिन कॉल करके बताना कि मैंने WhatsApp पे ये नंबर पे मैसेज भेजा है, आप पढ़ लो, अब मैं क्या करूं। मेरे साथ ना फोन पे बहुत लंबी पारायण मत करना, क्योंकि है ना फिर बहुत फोन आते हैं और लोग तो ऐसे भी पूछने के लिए बैठ जाते, फलाने की चटनी कैसे बनाऊंगी, कहाँ गए रेसिपी पूछने बैठ जाते है ना, ये गलत है। रेसिपी बुक ले लो लेकिन मुझसे ना रेसिपी के बारे में मत पूछना, मैं स्पष्ट और नम्र विनती करती हूँ, मेरा वक्त आप ये इसमें, क्योंकि इतने सारे कॉल आते हैं ना मैं थक जाती हूँ, मैं अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाती हूँ, मैं इतनी बाहर रहती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ मैं रह ही नहीं पाती हूँ,
तो फिर जब मैं रहूंगी नहीं तो फिर मेरे बच्चों को मैं संस्कार कैसे दूंगी? हाँ, मुझे भी तो उनसे उनके साथ काउंसलिंग करना होता है, मुझे भी तो रात को एक घंटा चाहिए अपने बच्चे के पास बैठने के लिए। लोग छोड़ते ही नहीं है, कभी भी फोन कर देते भाई इमरजेंसी है तो आप फोन कीजिए, हमें मना नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो मैम इतना करना है लेकिन मेरी सास नहीं करने देती। अब ये आपका प्रश्न है, आपकी सास को सेमिनार में ले आओ, मैं समझा दूंगी। लेकिन अब आपकी सास अब क्या करते हैं मालूम है? ये हमारे रिलेटिव है, इनको ये तकलीफ है, उनको मैं आपका नंबर देती हूँ, बात करता हूँ, वो छुप जाएंगे, मुझे थमा देंगी। अरे आपके रिलेटिव क्या जानेंगे न्यू डायट सिस्टम के बारे में, जब उनको पता ही नहीं है आपने क्या किया।